घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके दूंगा। दोस्तों अभी तक आपका चैनल नहीं हुआ है मोनेटाइज तो मैं करूंगा आपका चैनल मोनेटाइज सिर्फ एक दिन में। कैसे दोस्तों? बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा और उस काम को करने के बाद मैं आपका चैनल 100% मोनेटाइज करवा दूंगा दोस्तों। तो वो कौन सा काम करना है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। अगर आपका 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट है और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करके दूंगा दोस्तों। अगर आपका 4000 घंटे कंप्लीट है, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो मैं आपके 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवा दूंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो वहां पर एक कमेंट कर देना है टेक बास्केट नाम लिख करके चैनल का। इसके बाद दोस्तों अगर इस चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना है दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना है और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना है ताकि उनका भी चैनल मोनेटाइज हो सके। दोस्तों मैंने कमेंट्री पोस्ट किया कि कितने लोगों का चैनल मोनेटाइज है तो उनमें से 85% लोगों का वोट आया कि सर मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं है। तो दोस्तों आप मेरे व्यूवर्स हो, आप मेरे यूट्यूब फैमिली हो तो मेरा फर्ज बनता है आपके चैनल को मोनेटाइज करवाना दोस्तों। तो मैं जो बताऊंगा आपको उससे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना, जो जो स्टेप बताऊंगा उन स्टेप को आपको करना है फॉलो। अगर उन स्टेप को आप कर देते हो फॉलो तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों। मैं गोलू कुशवाहा, आप देख रहे हो टेक बास्केट। दोस्तों चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सभी को चैनल अपना मोनेटाइज करवाना है और यूट्यूब से कमाना है पैसा। जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक आप यूट्यूब से एक रुपया भी नहीं कमा सकते हो। लेकिन चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है 365 डेज के अंदर दोस्तों, लास्ट 365 डेज। लेकिन हम वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये यूट्यूब की तरफ से एक टास्क होता है नए क्रिएटर के लिए कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लो या 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन व्यूज शॉर्ट वीडियो से ला करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर लो। दोस्तों आज मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूं, इससे आप काम करोगे मात्र 10 दिन तो आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा दोस्तों। तरीका मैं बताऊंगा, काम आपको करना पड़ेगा। दोस्तों आपको रेगुलर इसी चैनल पर 10 दिन तक वीडियो को देखना है, कमेंट करना है दोस्तों। उसके बाद में लास्ट में 10 दिन बाद मैं एक पोस्ट डालूंगा कमेंट्री पोस्ट, वहां पर पूछूंगा कि आप लोगों की कितना वॉच टाइम हो गया, कितना सब्सक्राइबर हो गया और कितना कम पड़ रहा है। जिनका ज्यादा से ज्यादा हो गया होगा कंप्लीट, थोड़ा बहुत कम पड़ रहा होगा तो उनका मैं कंप्लीट करवा करके उनका चैनल मोनेटाइज करवा दूंगा। लेकिन आपको लास्ट 10 दिन तक आपको पूरे पूरे वीडियो को देखना है और कमेंट करके जाना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कि काम आपको कौन सा करना है, जो करेगा वही अपने चैनल को मोनेटाइज करवा पाएगा। तो ध्यान से देखो वीडियो को दोस्तों। जैसा कि साइड की स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये मेरा एक वीडियो है और इस वीडियो पर 112,000 व्यूज आया है दोस्तों, पूरा 112,000 व्यूज आया है। इस वीडियो से हमें कितना वॉच टाइम मिला ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ 4900 यानी कि 4900 का वॉच टाइम कंप्लीट हुआ है। दोस्तों आपको अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 4000 घंटे की जरूरत होती है और यहाँ पर 5000 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो अगर आपका भी एक वीडियो से 4000 घंटे कंप्लीट हो जाए तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा दोस्तों। यहीं पर बात करते हैं कि इस वीडियो से हमें सब्सक्राइबर कितना मिला, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 2500 सब्सक्राइबर मिला है मात्र एक वीडियो से। तो दोस्तों आपको चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर एक वीडियो से 2500 सब्सक्राइबर आ चुका है। तो आपका अगर एक वीडियो से 1000 सब्सक्राइबर आ जाए तो आपका चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है। तो आपको कैसे मोनेटाइज करना है वही मैं अब बताने वाला हूँ दोस्तों कि किस तरीके से मैंने काम किया और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। आज मेरे गूगल एडसेंस पर $90 बन चुका है दोस्तों, तो पेमेंट भी आने वाली है, जैसे ही पेमेंट आएगी उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो बात करते हैं यहाँ एनालिटिक्स पे जाने की, और एनालिटिक्स पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको काम क्या करना है दो स्टेप में बताऊंगा दोस्तों, और लास्ट वाला स्टेप जो बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला है आपके चैनल को मोनेटाइज करने में दोस्तों।
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ कंटेंट पे जाएंगे, और कंटेंट पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो वीडियो है टॉप कंटेंट है, ये है हमारे टॉप कंटेंट दोस्तों। इन टॉप कंटेंट पर यानी कि जो हमारे चैनल को ग्रो कर रहे हैं वो वीडियो है ये 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों। इन 5 टॉपिक पर अगर हमने वीडियो बनाया तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो 16,000 व्यूज, 11,000 व्यूज, 1600, 1200, 1100, ये लास्ट 28 दिन का व्यूज दिखा रहा है दोस्तों, इन वीडियो पर आ रहा है दोस्तों। कैसे आ रहा है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, हमारे वीडियो YouTube सर्च में जा रहे हैं, सजेस्ट में जा रहे हैं, ब्राउज फीचर में जा रहे हैं, YouTube हमारे वीडियो को रिकमेंडेश कर रहा है, लोगों तक भेज रहा है। तो दोस्तों वही लोग आकर के हमारे वीडियो को देख रहे हैं। अब आपके भी वीडियो को अगर रिकमेंड कराओगे, YouTube आपके वीडियो को आगे भेजना शुरू कर देगा, रीच आना, इंप्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो आपका भी वीडियो 100% वायरल होगा और उससे व्यूज आएगा। जब व्यूज आएगा तो आपका वॉच टाइम 100% बढ़ने लगेगा दोस्तों। जब वॉच टाइम आता है दोस्तों, वीडियो जब वायरल होता है तो उससे नए नए सब्सक्राइबर भी आते हैं। तो सबसे पहले काम कैसे करना है कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाने हैं, कैसे आपको पता चलेगा? तो यहाँ पर दोस्तों ऑडियंस का फीचर दिया गया है। ये ऑडियंस का फीचर इसीलिए दिया गया है ताकि आपको पता चले कि आपकी ऑडियंस देखना क्या चाहती है। तो यहाँ ऑडियंस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स जो है तो वो 5800 है, जो दोबारा आकर के हमारे वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन यहीं पर यूनिक व्यूअर देख सकते हो, जो नए लोग हैं जिनको यूट्यूब ने रिकमेंड किया हमारे वीडियो को, वो है 87,000 लोग, जिनको हमारे यूट्यूब चैनल को के वीडियो को यूट्यूब ने भेजा। 87,000 लोग यूनिक लोग हैं, जो कभी भी हमारे चैनल पर नहीं आए, लेकिन 87,000 लोगों तक जब वीडियो पहुंचा तो वो लोग हमारे चैनल पर आकर के वीडियो को देखे, समझ रहे हो? अब बात करते हैं कि आपको वीडियो कंटेंट बनाना कैसे है। दोस्तों नीचे की तरफ चले आना है, यहाँ नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर देखना है वॉट योर ऑडियंस वॉचेस, आपकी ऑडियंस कौन से वीडियो को पसंद कर रही है, कैसे टॉपिक को देखना पसंद करती है, आपको उन्हीं टॉपिक पर चले जाना है। यहाँ पे हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो भी ध्यान से देखना, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो तो भी आप ध्यान से देखना। शॉर्ट वीडियो वाले लॉन्ग वीडियो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ वीडियो दिखाए जाएंगे, और इन वीडियो को जो टाइटल है, जो डिस्क्रिप्शन है, इनको आपको क्या करना है, इन टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है। सिंपल सा काम है कि इन्हीं टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है। यहाँ पर जितने आपको अपने चैनल पर यानी कि आपको अपने YT स्टूडियो पर देखना है कि आपकी ऑडियंस कौन से वीडियो को देख रही है, आपकी कैटेगरी के अनुसार वहां पर वीडियो रिकमेंड किए जाएंगे। तो आपको देखना है, जैसे कि हमारा टेक कैटेगरी का है तो यहाँ पर टेक कैटेगरी का वीडियो दिखाया जा रहा है कि आपकी ऑडियंस इन टॉपिक पर वीडियो मांग रही है, लेकिन आप दूसरे टॉपिक पर वीडियो दे रहे हो, इसी वजह से आपके चैनल पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पर इन टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए तो हमारी ऑडियंस इन वीडियो को जरूर देखेगी, समझ लो। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे 5 टॉपिक। अब यहाँ पर दोस्तों अगर शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आपको शॉर्ट पर क्लिक कर देना है। अब शॉर्ट वीडियो वाले यहाँ पर चले जाएंगे, और यहाँ पर देख सकते हो कि इतने सारे वीडियो हैं और इन्हीं टॉपिक पर आपको शॉर्ट वीडियो बनाने हैं, समझ रहे हो? अब बात करते हैं कि बनाना कैसे। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारे जो लॉन्ग वीडियो थे, अब नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ है चैनल दैट्स योर ऑडियंस वॉचेस, यानी कि आपकी ऑडियंस किनके चैनल पर जाकर के वीडियो देख रही है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये हमारे कुछ चैनल यहाँ पर आ रहे हैं, और जो हमारे कैटेगरी के रिलेटेड चैनल हैं वो उन चैनल पर हम जाकर के देखेंगे कि इनके लेटेस्ट वीडियो पर कितना व्यूज आया है। अगर इनके लेटेस्ट वीडियो पर ओल्डेस्ट वीडियो से ज्यादा व्यूज आया होगा तो उस वीडियो को हम ले लेंगे, यानी कि उसी टाइटल, उसी डिस्क्रिप्शन, उसी टॉपिक पर हम वीडियो क्रिएट कर देंगे। लेंथ जितनी भी इनके वीडियो की होगी, यानी कि अगर 10 मिनट का इनका वीडियो है तो हमें 12 मिनट का वीडियो बनाना है, आपको लेंथ बढ़ा देनी है, समझ रहे हो? लेंथ बढ़ाने से आपके वीडियो की रैंक बढ़ जाती है। इनके वीडियो की 10 मिनट की होगी, आपके वीडियो की 12 मिनट की होगी, तो कोई भी सर्च करेगा तो 12 मिनट का वीडियो सबसे ऊपर आएगा और 10 मिनट का वीडियो नीचे आएगा, ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है? इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगे। अब हमें फॉर्मेट तैयार करना है अपनी ऑडियंस के हिसाब से। देखो फॉर्मेट दैट योर व्यूअर वॉच ऑन यूट्यूब, अब यहाँ पर हमें फॉर्मेट देखना है वीडियो शॉर्ट्स लाइव। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आना है और व्यूज पर चले जाना। अब यहाँ पर पहले ये ग्राफ क्यों दिया गया दोस्तों, इन ग्राफ का मतलब क्या है, इन लाइन का मतलब क्या है,
एक दो तीन चार पांच, पांच लाइन दी गई है, शॉर्ट में भी पांच लाइन दी गई है, लाइव में भी पांच लाइन। अब इससे पता चलता है कि आपके चैनल पर आपके जो व्यूवर्स हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं। अगर लॉन्ग वीडियो पसंद कर रहे हैं तो ये वाली लाइन पूरी फुल होगी, समझ रहे हो। अगर शॉर्ट वीडियो पसंद कर रहे हैं तो ये वाली लाइन पांचों फुल होंगी। अगर लाइव देख रहे हैं तो ये वाली लाइन पांचों फुल होंगी। तो इसी तरीके से अगर आपको आपके चैनल पर, यहां पर देखते हो कि शॉर्ट की लाइन डाउन है और लॉन्ग की हाई है, तो यहां पर आपको शॉर्ट पर भी काम करना शुरू करना, यानी कि फोकस आपको लॉन्ग वीडियो पर ज्यादा करना, क्योंकि आपकी ऑडियंस शॉर्ट वीडियो कम देख रही है और लॉन्ग वीडियो ज्यादा देख रही है। इसके बाद यहाँ पर वीप्स पर आएंगे, और वीप्स पर आने के बाद यहाँ पर दोस्तों वीडियो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये फॉर्मेट तैयार किया गया है। इन वीडियो पर आपको क्या करना है, क्लिक करना, जैसे कि हमने इस वीडियो पर क्लिक किया। अब ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर ओपन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, ये किसी और का वीडियो है। हमें सिंपल सा क्या करना है, इनके वीडियो को नहीं देखना है, इनके वीडियो को हमें नहीं देखना है, हमें क्या करना है, इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस शेयर वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, कॉपी कर देंगे लिंक को। जैसे हमने कॉपी कर लिया लिंक को, सिर्फ कॉपी करना है लिंक को दोस्तों, ठीक है। एक बार इनके वीडियो को देखना जरूर जाके कि किस तरीके से इन्होंने बनाया है। ऐसा नहीं कि बस कॉपी कर लिया बस काम हो गया, ऐसा नहीं। टॉपिक लिया है तो उसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए कि किस तरीके से वीडियो को इन्होंने क्रिएट किया है, उससे बेहतर बनाने की आपको कोशिश करनी है। इसके बाद यहाँ वाइट टूल पर आना है, इस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद सिंपल सा आपको यहाँ पर एंटर वीडियो पर क्लिक करना, और यहाँ पर जो लिंक कॉपी किया था उस लिंक को यहाँ पर गो कर देना, ठीक है, पेस्ट करके गो कर देना। अब देख सकते हो यहाँ पर वही वीडियो आ चुका है, ये वही वीडियो आ चुका है जिसका हमने लिंक कॉपी किया था, और यही वीडियो हमें अपने चैनल पर अपलोड करना है दोस्तों, क्योंकि ये हमें रिकमेंड किया गया। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखा, कॉपी टाइटल, कॉपी डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड थंबनेल, कॉपी हैशटैग, कॉपी कीवर्ड्स। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझो, यहाँ पर हमें जाना है और इनके कॉपी कर देना है टाइटल को। टाइटल को जैसे कॉपी करोगे उसके बाद अपने अपने फोन के नोटपैड पर चले जाना है, नोटपैड तो होगा ही, नोटपैड पर जाना है यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर के यहाँ पर टेक्स्ट पर और यहाँ पर पेस्ट कर देना। ये देखो हमने पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा टाइटल हो गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर जाना है और इनके इनके वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको ले लेना है। इस तरीके से आप जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो तो इस ऐप की मदद से आप उनके वीडियो का टाइटल, कीवर्ड्स, थंबनेल, सारा सब कुछ कॉपी कर सकते हो। और जब इतना करके अपने वीडियो पर आप लगाओगे तो आपका भी वीडियो सजेस्ट में जाएगा, YouTube रिकमेंड करेगा, और व्यूज भी आना शुरू हो जाएगा। ऐसा काम आपको 10 दिन तक करना है, और 10 दिन तक जब आप रेगुलर काम करोगे दोस्तों, आपको टॉपिक यहीं से लेने हैं, इधर उधर से नहीं उठाना है। जो YT स्टूडियो में आपको दिखाया जा रहा है उन्हीं टॉपिक पर आपको काम करना है, और रेगुलर जब 10 दिन तक काम करोगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा दोस्तों। आप कमेंट करके हमें बताना कि आपका कितना वॉच टाइम कंप्लीट हो गया 10 दिन में, और कितने सब्सक्राइबर हो गए दोस्तों, फिर मैं आपकी मदद करूंगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जल्दी जाओ फॉलो करो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, वहां पर भी मैं अपडेट देता रहता हूँ। तो जय हिंद, अपना ख्याल रखना दोस्तों, नए टॉपिक के साथ अगले दिन फिर मिलते हैं।